Good morning, students. Students, today we will learn the map. बच्चों, आज हम इस मैप में इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे द हिमालय माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड। स्टूडेंट्स, ये इंडिया का मैप है। हमें इस मैप में इंडिया के जो फिजिकल पार्ट्स हैं, कितने फिजिकल पार्ट्स हैं? 6। उन 6 फिजिकल पार्ट्स को शो करना है, दर्शाना है। कौन कौन से हैं? जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया था, हिमालय माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेनिनसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। इन सब को हमें इस मैप में दर्शाना है कि कौन सा कहाँ पर है। बच्चों, हमें इन 6 फिजिकल पार्ट्स को अलग अलग कलर से शो करना है, जैसा कि मैंने इस मैप में कर रखा है। फर्स्ट फिजिकल पार्ट इज हिमालय माउंटेन। स्टूडेंट, हिमालय माउंटेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हिमाद्री, सेकंड हिमाचल, थर्ड शिवालिक हिल्स। स्टूडेंट, हिमालय माउंटेन, यहाँ से गंगा, सतलुज, इंदुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र और भी बहुत सी नदियाँ बहती हैं, मतलब कि यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, यहाँ से निकलती हैं। स्टूडेंट्स, हिमालय माउंटेन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसी तरह से बहुत से क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये सेकंड फिजिकल पार्ट से नॉर्दर्न प्लेन्स। स्टूडेंट, नॉर्दर्न प्लेन्स को फूड बाउल ऑफ इंडिया, भारत का खाने का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसे फूड बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल आदि और भी बहुत से क्षेत्र आते हैं। थर्ड फिजिकल पार्ट इज इंडियन डेजर्ट। स्टूडेंट, डेजर्ट इज अ फ्लैट एरिया कवर्ड विद सैंड। डेजर्ट एक फ्लैट एरिया है जो कि रेत से ढका हुआ है। यहाँ की जो बच्चों मिट्टी होती है वो ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि वो पानी को ज़्यादा लंबे समय तक रोककर नहीं रख पाती है। इस फिजिकल पार्ट में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? राजस्थान, जयपुर, उदयपुर, इसके अलावा और भी क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट इज पेनिनसुला प्लेट्यू। बच्चों, इसे सदर्न प्लेट्यू भी कहा जाता है। ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। पेनिनसुला प्लेट्यू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेट्यू। सेंट्रल हाईलैंड्स में मालवा प्लेट्यू आता है और छोटा नागपुर। मालवा प्लेट्यू जो कि लावा से बना हुआ है, और छोटा नागपुर जो मिनरल रिसोर्स के लिए जाना जाता है, और डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू बच्चों बहुत बड़ा एरिया कवर करता है पेनिनसुला प्लेट्यू का। इस प्लेट्यू की जो का जो क्षेत्र है वो काली मिट्टी के लिए बहुत जाना जाता है, जो कि काली मिट्टी जिसमें रुई की जो फसल होती है, कॉटन की फसल, वो बहुत अच्छी होती है। पेनिनसुला प्लेट्यू में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं बच्चों? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, भारत के चावल का कटोरा भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। कोस्टल प्लेन्स। बच्चों, कोस्टल प्लेन्स 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट इज वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, सेकंड इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स।
स्टूडेंट्स, जो कोस्टल प्लेन्स ईस्ट की साइड है उसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहते हैं, और जो प्लेन्स कोस्टल प्लेन्स वेस्ट की साइड हैं उन्हें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। कोस्टल प्लेन्स में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? गुजरात, गोवा, उड़ीसा, दादर एंड नागर हवेली, तमिलनाडु, पुडुचेरी और भी बहुत से क्षेत्र आते हैं। लास्ट फिजिकल पार्ट्स आइलैंड्स। स्टूडेंट्स, टू आइलैंड्स हैं। फर्स्ट इज लक्षद्वीप, जो कि एक स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है। सेकंड इज अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड स्टूडेंट ये अरेबियन सी में है, एंड अंडमान निकोबार ये वे ऑफ बंगाल में। जो वेस्ट साइड में है ये लक्षद्वीप आइलैंड है, और जो ईस्ट साइड में है ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। स्टूडेंट्स, ये हमारे इंडिया के 6 फिजिकल पार्ट्स थे। हिमालय माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडियन डेजर्ट, पेंसुला प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। आपको इन्हें अलग अलग कलर से इंडिया के मैप पर शो करना है, दर्शाना है, और फिर इस मैप को आप अपनी सोशल स्टडी SST की कॉपी में लगाना है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, टेक केयर, गुड बाय।